देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी कुछ दिन ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगी, और जिस रूप में पार्टी चल रही है उसी रूप में अगर चलती रह गई तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सर्वाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप यह कहते आ रहे हैं जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा हैं, यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है, तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई तब के बारे में हमने कहा है, फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ संभावना नहीं? अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हम कुछ